नमस्कार दोस्तों, आइए कुछ कानून की बात जानते हैं। कब्जा है पर कागज नहीं, क्या करें? आइए जानते हैं, किसी संपत्ति पर 12 वर्षों तक कब्जा है पर किसी ने कोई आपत्ति किया ही नहीं। जो कागज रखा है उस संपत्ति का, जिसके पास उसका कागज है, उसने कभी आपत्ति किया ही नहीं, ना ही कोई उसके संबंध में मुकदमा किया, ना ही उसे कब्जा से हटाने का प्रयास किया। 12 वर्ष बीत गए तो कब्जा के आधार पर स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए कब्जा कानून के आधार पर वह वाद दाखिल कर सकता है। यदि वह सरकारी संपत्ति है तो 30 वर्ष तक कब्जा है उसका, किसी ने उस पर कोई आपत्ति किया नहीं, ना ही कोई मुकदमा दाखिल किया, ना ही उसे हटाने का प्रयास किया, तो उस संपत्ति को स्वामित्व प्राप्त करने के लिए वाद दाखिल कर सकता है। यदि संपत्ति मकान से संबंधित है तो कब्जा के धीरे धीरे करके वह कई कागज तो इकट्ठा कर सकता है, जैसे बिजली का बिल। और यदि मकान को भी बनवा लिया 12 वर्षों के बीच में, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, तो उसके आधार पर वह स्वामित्व के लिए वाद दाखिल कर सकता है। यदि वह खेत की जमीन है, भूमि है, उसमें फसल उगाता है, कब्जा किए हुए है, 12 वर्ष बीत गए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, ना ही मुकदमा दाखिल किया, ना ही उसे हटाने का प्रयास किया, धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, उस कब्जा के आधार पर उससे स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आसान तो नहीं होगा, क्योंकि उसका कब्जा को दिखाना केवल गवाह के बलबूते, जो अन्य मौखिक गवाह हैं उनके माध्यम से, या फिर अन्य कागज, जैसे उसमें कौन सी खाद डाला गया, या फिर उसे क्या बेचा गया, पैदा हुआ, तो कुछ कागज तो इकट्ठा कर सकता है। पर जिस तरीके से मकान से संबंधित कागजात कब्जा करने वाला व्यक्ति इकट्ठा कर सकता है, उस प्रकार भूमि, जो खेत है, जो इसमें फसल उगाता है, उसका सबूत इकट्ठा करना मुश्किल होता है। मकान धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए, उसने मकान बनवा लिया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, बिजली बिल लगवाया, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, अन्य दस्तावेज धीरे धीरे इकट्ठा कर लिए, किसी ने कोई आपत्ति नहीं किया, तो 12 वर्ष बीत जाने के बाद वह कब्जा कानून के आधार पर उस संपत्ति का मालिक बनने के लिए वाद दाखिल कर सकता है। भूमि है तो भूमि के लिए अन्य गवाहों के साथ, अन्य जो कागजात इकट्ठा किया है कब्जा के संबंध में, और किसी व्यक्तिगत जमीन है तो 12 वर्ष को कब्जा दिखाना होगा। किंतु यदि सरकारी संपत्ति है तो उसमें 30 वर्ष तक कब्जा है, सरकार ने कोई आपत्ति नहीं किया उसके कब्जा पर, तो कब्जा के आधार पर, कब्जा कानून के आधार पर वह स्वामित्व के लिए वाद दाखिल कर सकता है और उस संपत्ति का मालिक भी बन सकता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।